नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। देश विदेश में पाई जाने वाली पौष्टिक स्ट्रॉबेरी अब आपको जम्मू में भी इसकी फार्मिंग जो है देखने को नजर आएगी। यहां पर भी अब स्ट्रॉबेरी को उगाया जा रहा है और इस समय मैं हूं आरसपुरा में। आरसपुरा में आप देख सकते हैं कि इसकी फार्मिंग जो है स्ट्रॉबेरी की अब जोरों शोरों से यहाँ पर हो रही है। कई कनाल में उगाए जाने वाली ये स्ट्रॉबेरी, उसके लिए एक अनुकूल मौसम चाहिए होता है और जहाँ टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर माना जाता है। और आप इस समय की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को किस खास तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। विदेशों में स्ट्रॉबेरी तो आमूमन जो है उगाई जाती है, लेकिन अगर अपने भारत की बात की जाए तो भारत में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्ट्रॉबेरी की पैदावार है, लेकिन अब जम्मू में भी आपको स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ पर मिलेगी। क्या कुछ खास है इस स्ट्रॉबेरी में, किस तरह का इसका अनुकूल मौसम देना चाहिए और किस तरह से इसकी फार्मिंग की जाती है, जानते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेतों की हमने आपको सैर तो करवा दी और आपको दिखाया कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी फ्रूट को प्लक किया जाता है। प्लकिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी को यहाँ पर ड्राई होने के लिए यहाँ पर बिछाया जाता है और फिर जब ये ड्राई हो जाती हैं फिर इनकी पैकिंग की जाती है और पैकिंग करने के बाद ये जो है तैयार हो जाती हैं मार्केट में जाने के लिए। तो खूबसूरत स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी तैयार है, जानते हैं संजय से कि ये फार्मिंग किस तरह से की जाती है। संजय जी, आप यहाँ पर फार्मिंग करते हैं स्ट्रॉबेरी की, अब तो जम्मू में भी इसकी फार्मिंग जो है देखने को नजर आ रही है, क्या कुछ इसके लिए खास तैयारी करनी पड़ती है? तैयारी इसके लिए पहले तो जमीन थोड़ी ठंडी होनी चाहिए ताकि फल अच्छा हो। रेतली जमीन होगी तो रोज रोज पानी मांगेगी, तो उसके बाद इसको करने के लिए टनलिंग वगैरह करवानी पड़ती है ठंड से बचाने के लिए, जब ठंड के दिन होते हैं। तो अभी तो नॉर्मल आप देख सकते हो कि स्ट्रॉबेरी रेडी है, इस महीने में रेडी हो जाती है। इस बार थोड़ा ठंड की वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो पिछली बार जनवरी में स्टार्ट हो जाती है। एक समय था जब स्ट्रॉबेरी बाहरी विदेशों से आती थी, फिर उसके बाद भारत के कई राज्यों में भी इसकी जो है फार्मिंग होने शुरू हुई है और अब जम्मू में भी जो है सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है। जब आपने इस फार्मिंग के लिए सोचा तो क्या सरकार से आपको कुछ फ़ायदा मिला? जी मैम, बिल्कुल सरकार की तरफ से पूरी फ़ायदा मिला। हार्टिकल्चर के तो सब कुछ सब्सिडी वगैरह मिल रही है, पौधों पर सब्सिडी मिल रही है, टनल पे, फिर ड्रिपिंग इरीगेशन पर सब सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ही उगाई जाती है या और भी फ्रूट्स को यहाँ पर उगाया जाता है? और भी फसलें लगाई जाती है, तो उस बाकी वाली फसलों में सरकार कोई मुनाफा नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी में सब्सिडी वगैरह मिलती है। कोई फैकल्टी इरिगेशन की यहाँ पर आती है इसको चेक करने के लिए? हाँ बिल्कुल, हार्टिकल्चर वाले आते हैं और भी लोग आते हैं इसको चेक करने के लिए बाहर से लोग। तो अमूमन जैसे आपने बताया ये अनुकूल मौसम है स्ट्रॉबेरी के लिए, तो कितनी स्ट्रॉबेरी जो है इसकी पैदावार होती है यहाँ पर? अभी नॉर्मल हम 200 से 300 डिब्बी रोज का उतार रहे हैं इधर से, बाकी अभी देखते हैं अभी आगे आगे और तेज हो जाएगी। और जब अब फार्मिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है तो लोगों का कैसा रुझान है, क्योंकि बाहर से मंगवाई जाती थी तो महंगी पड़ती थी, अब अपने ही जम्मू में आरसपुरा में यहाँ पर इसकी वो जो है फार्मिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल, इधर से लोग अच्छे पसंद भी करते हैं, इधर के लोग घर की सभी लोग मानते हैं कि घर से जो लिया हुआ फ्रेश फ्रूट वही सही रहता है, तो लोग इधर से भी आके ले जाते हैं खरीद के। तो इसकी
फार्मिंग में मैं क्या कुछ स्पेशल खाद या कुछ डालना पड़ता है? नहीं, वो तो गोबर वगैरह ही देसी खादें डाले जाती हैं नॉर्मल। तो इसी मौसम में ये मिलेगी या उसके बाद भी जब गर्मी पीक पर होगी? नहीं, गर्मी जब खत्म, ज़्यादा गर्मी होगी तभी भी मिलेगी, लेकिन तब थोड़ी पैदावार कम हो जाएगी इसकी। जिस तरह से अब गर्मी का मौसम है तो इसकी इरिगेशन के लिए क्या कुछ खास आपको करना पड़ता है? मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, क्या खास तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए? तो पहले तो मेन बात है कि ड्रिप इरिगेशन होनी चाहिए, उससे मतलब पैदावार भी अच्छी होती है ड्रिप। अभी आप इधर से देखना था, सारी नीचे ड्रिप की पाइपें बिछाई हुई इसके अंदर, तो बाकी दवाई वगैरह भी उसी में डाल देते हैं, ड्रिप में, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू करते हैं, दवाई डालते हैं। क्योंकि स्ट्रॉबेरी बड़ा ही कहते हैं एक सॉफ्ट सा नाजुक सा फ्रूट होता है, तो इस 24 घंटे में ये गलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी आप कुछ खास देखते हैं? उसके लिए हम इसको अभी तोड़ के लाया, इसको बिछाया, अभी थोड़ा पंखा चलाएंगे, थोड़ा सूख जाएगी, फिर उसमें थोड़ा देर चल जाएगी ये। पौष्टिक स्ट्रॉबेरी के साथ साथ यहाँ पर अमरूद, सेब, ड्रैगन फ्रूट, उसकी भी फार्मिंग की जाती है। तो अभी हम आपको जो ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये सेब का पेड़ है और जिसमें फल जो है लग चुका है और अब बस कुछ ही देर में ये फल पक जाएगा। जहां देखा जा रहा था कि स्ट्रॉबेरी जो पहले विदेशों में मिलती थी और फिर भारत के कई राज्यों में भी इसकी फार्मिंग होनी शुरू हो गई है, और अब जो है सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू में भी इसकी फार्मिंग जो है उसमें काफ़ी तेज़ी आए, और अब जम्मू के आरसपुरा में इसकी फार्मिंग आप देख रहे हैं। मेरे हाथ में ये डब्बा जो पैक हो चुका है और मार्केट में जाने के लिए रेडी है। तो अब जो है ये मार्केट में आपको स्ट्रॉबेरी जम्मू से ही मिलेगी, जम्मू में ही इसकी पैदावार की जा रही है। सरकार भी इसके लिए सब्सिडी दे रही है ताकि जो लोग फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें किसी तरह की भी कोई मुशक्कत ना आने पाए, कोई मुश्किल ना आने पाए। और अब जो है स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग आपको जम्मू में भी देखने को नजर आएगी। अब स्ट्रॉबेरी के लिए हमें बाहरी राज्यों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो क्या कुछ आप इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए, धन्यवाद।